अनोखी आवाज में पुनः आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। सिक्किम में सड़क हादसे में शहीद होने वाले प्रदीप पटेल के परिवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। सीएम ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, यह हमारे लिए दुखद घटना है, लेकिन देश और सेना पर हमेशा गर्व रहेगा। हमारे जवान शांति काल हो या युद्ध काल, बड़ी मुस्तैदी से ड्यूटी करते हैं और देश की हिफाजत में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बता दें कि शहीद की पार्थिव देह को विशेष विमान से खजुराहो लाया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एयरपोर्ट पर शहीद प्रदीप पटेल को श्रद्धांजलि दी। यहां से सड़क मार्ग से सेना के वाहन में कटनी से हरदुआ कलागांव ले जाया गया। गौरतलब है कि भारत चीन बॉर्डर के नॉर्थ सिक्किम में हुए सड़क हादसे में भारतीय सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं। शहीद हुए जवान में कटनी जिले के जवान प्रदीप पटेल भी शामिल थे, जो सेना में ड्राइवर के पद में तैनात थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आगे कहा कि सिक्किम के पाक्योंग में सेना के वाहन दुर्घटना में कटनी जिले के विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हरदुआ गांव के निवासी वीर सपूत प्रदीप पटेल शहीद हुए। जवान को नमन। मध्य प्रदेश सरकार ने शहीद जवान के माता पिता को 1 करोड़ की धनराशि देने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी है। मेरी ओर से शहीद को विनम्र श्रद्धांजलि। हमारे लिए बड़ी दुखद घटना भी है, लेकिन देश और सेना पे हमें सदैव गर्व रहेगा। हमारे जवान शांति का हो या युद्ध काल अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी करते हैं और देश की हिफाजत में अपनी बड़ी भूमिका रखते हैं। 5 तारीख के दिन एक बड़ी घटना घटी, इसमें हमारे 4 बहादुर जवानों की शहादत हुई है। उसमें मध्य प्रदेश के कटनी विजय राघवगढ़ गांव के पहरदोला नामक गांव के रहने वाले हमारे स्वर्गीय प्रदीप पटेल जी का वीरगति को प्राप्त हुआ है। मैं आज स्वयं खजुराहो एयरपोर्ट पर मैंने पुष्पांजलि अर्पित की। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैंने खेद व्यक्त भी किया और दुख व्यक्त करते हुए परमात्मा से कामना की कि जो पुण्य आत्मा उसको अपने चरणों में स्थान दे, ऐसे बहादुर जवानों को जीवन भर हम सब याद रखेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपये की जो हमारी धनराशि है वो उनके, चूँकि विवाहित नहीं होने से उनके माता पिता को समर्पित करने का सरकार ने निर्णय लिया है। दुख की इस बेला में मध्य सरकार उनके साथ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहिए अनोखी आवाज के साथ।